मेरा नाम रशीद बाबू शेख है, मैं कुर्ला का रहने वाला हूँ। फिलहाल मेरे साथ कोई है नहीं, मैं अकेला रहता हूँ और मेरे पे एक केस बना हुआ है, 354 नंबर केस पॉस्को का बना हुआ है। मेरे पड़ोस में जब मैं वहाँ रहता था तो एक फैमिली रहती थी, वो लड़के की शादी भी मेरे सामने हुई, बच्चे मेरे सामने पैदा हुए, उसकी एक छोटी सी लड़की है। जब मैं नहाकर वहाँ से हमाम से बाहर से आता था तो कपड़े बदलने के टाइम वो लड़की बार बार झाँकती थी खिड़की में से, तो एक बार डांटा मैं, तो उसने जाके वालिद को क्या बोल दिया मालूम नहीं। उसका वालिद पुलिस चौकी में गया और क्या क्या उनसे साहब से उनके ताल्लुकात थे, क्या लिखाया क्या नहीं लिखाया, मेरे घर पे पुलिस आई और मेरे को ले जाके अच्छा रोड जेल में बंद कर दिया। वहाँ मैं 2 साल 23 महीने 24 महीने जेल में रहा। 24 महीने तो अभी बयान के काबिल ने बहुत बुरी हालत में 24 महीने कह दी। एक अलबीर फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और उन्होंने जमानत मिली। उनका पता मुझे आसिफ भाई के नाम के एक आदमी है, उनसे मेरे ताल्लुकात है, उन्होंने मेरे को जरिया बताया कि अलबीर फाउंडेशन के पास देखो तुम बात करो। उन्होंने ही बात की तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की और जमानत पे मेरे को छुड़ाया। मैं उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका एहसान भूल नहीं सकता हूँ। अब्दुल रशीद भाई जो है, इनके लिए मैंने एक काम किया था जिसने मुझे अलबीर ने बहुत मदद की। मैं बहुत परेशान था इनका, जब ये अंदर थे इनके लिए मैं एक्चुअली क्या है, लॉकडाउन का वक्त था, उस पीरियड में कोई किसी का मददगार नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बहुत जगह मैं तला कि भाई इनका जामीन का, जब मुझे मालूम पड़ा कि इनकी जामीन कराई जा सकती है, जब मैं पेपर वगैरह में पढ़ा, और वो सोकत ऐसा था कि कोई किसी की कॉन्टेक्ट में नहीं था। मुझे अब्दुल रहमान भाई है जो हमारे ऊपर बिल्डिंग में रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको ये काम अलबीर कर सकते हैं। अब्दुल रशीद भाई बेचारे हुए बहुत ही मतलब गरीब इंसान है, इनका कोई मददगार नहीं है, अल्लाह ही मददगार है। बाकी अलबीर ने अल्लाह के बाद जो है इनकी जो मदद की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये रशीद भाई 24 महीने के करीब करीब ही अंदर थे, इनको काफ़ी तकलीफें हुई और ये बहुत परेशान इंसान थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इनके पास ऐसा जरिया माश कुछ भी नहीं है, समझे, अल्लाह इनका ही मददगार है। आप, मैं सारे लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इस किस्म के काम के लिए आगे आए और लोगों की मदद करें और ये अलबीर की भी मदद करें, ताकि ये लोग इस तरह से ही काम आगे भी कर सके और ये लोगों की मदद कर सके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है ये फाउंडेशन जो चला रहे हैं, अल्लाह इनको और इसकी हिम्मत दे और इनका और हौसले बुलंद हो। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 सालों में ऐसे ही 400 से ज्यादा लोगों को प्रोजेक्ट आजाद के तहत जेल से रिहा करवाया जा चुका है और ये मुमकिन हुआ है आपके ताउन से। इसलिए इस रमजान में अलबीर का भरपूर ताउन करें और इस प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्ट की रकम भी दे सकते हैं, साथ ही ATG सर्टिफिकेट के तहत अपने इनकम टैक्स में भी बेनिफिट पा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर रابطہ करें। सपोर्ट अलबीर।